हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। तो आप बहुत सारे वीडियो को देखते हैं टिकटॉक पे जो एकदम स्लो मोशन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह वीडियो स्लो मोशन वीडियो है टिकटॉक का। तो इसी तरह से आप कैसे वीडियो बना सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं टिकटॉक के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉक पे मिल जाएंगे आपको स्लो मोशन वीडियोज। तो ये सब बनाना बहुत ही आसान होता है। कैसे बनाया जाता है इसको, आप चाहे तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो अपने टिकटॉक ऐप से डायरेक्ट बना सकते हैं, और एक तो किसी वीडियो एडिटिंग ऐप से बना सकते हैं, जैसे कि काइन मास्टर हो गया वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको काइन मास्टर से बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्लो मोशन वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के सामने एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपना काइन मास्टर ओपन करना होगा, तो हम यहाँ पर अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। तो आपको काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसको आपको स्लो मोशन में बनाना है। तो हम यहाँ पर अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे जिस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो ले रखा है अभी, तो आप देख सकते हैं यह 15 सेकंड का वीडियो है, तो हम इसको अब सिलेक्ट कर लिए हैं। और इसमें हमें स्लो मोशन इफेक्ट लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि अभी सिंपली यह नॉर्मल वीडियो है, तो यह एकदम इस तरह का दिख रहा है। तो आपको स्लो मोशन में क्या होता है कि आपको जितने भी पार्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब आपको एक छोटे से पार्ट को सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद उसका जो स्पीड होता है उसको घटा देना होता है, मतलब उसके स्पीड को स्लो करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 5 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप ले लेता हूँ काट करके। और उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी पार्ट को स्लो करना है उसको आपको पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पर छोटे से वीडियो को चला कर देखना है, और उसके बाद आपको बीच से काट देना है उसको, और स्लो मोशन को अलग रखना है, और फास्ट मोशन वाला वीडियो है उसको अलग रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एक और क्लिप काट लिया है, और उस छोटे वाले क्लिप को मुझे स्लो करना है। तो उसको हम जल्दी से यहाँ पे पहले स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करके काट लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो इस तरह का हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक और वीडियो का मतलब क्लिप छोटा सा ले लेते हैं जिसे हमें स्लो करना है। तो इस तरह से आप जितने भी क्लिप को स्लो करना चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है, तो आप इसको नीचे करेंगे तो वीडियो स्लो हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो को मैंने स्लो कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं क्या चलेगा, यह स्लो मोशन में एकदम दिखाई देगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि अभी स्लो मोशन वीडियो है, और आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट करने के बाद आप फिर से दोबारा इसको इसमें एडिट कर सकते हैं ला करके, तो इससे यह और ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको फास्ट भी बना सकते हैं ऊपर करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्लो और फास्ट मोशन वीडियो दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप अपने टिकटॉक के लिए स्लो मोशन वीडियोज बना सकते हैं काइन मास्टर की मदद से। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको पूरा फाइनल बनाया है तो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर वीडियो को एडिट कर लेने के बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो एडिट होकर बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यह एकदम स्लो मोशन वीडियो दिख रहा है। तो इस तरह से वीडियो आपका निकल जाएगा, स्लो मोशन में बनकर तैयार हो जाएगा टिकटॉक के लिए। तो आप इस तरह से काइन मास्टर की मदद से आसानी से टिकटॉक वीडियो बना सकते हैं, वो भी स्लो मोशन में, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तो इसमें अगर आप गाना लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में, अभी विदाउट सॉन्ग है इसीलिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और टिकटॉक से और भी कुछ रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे कमेंट बताए कि आपको क्या चाहिए, टिकटॉक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पर बनाकर आपको दे दूँगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।